हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब दे मशहूर आलू दे परांठे और बहुत ही स्पेशल मसाले के साथ। सबसे पहले आपको बॉयल्ड आलू लेने हैं, उन्हें पील कर लीजिए और उसमें डालिए मैश करके बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च। साथ में डालें आप थोड़ी सी अजवाइन और भुना हुआ जीरा। अजवाइन डालने से पेट जो है वो ठीक रहता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब इसमें आप डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर। साथ में डालें आप रेड चिली पाउडर और हरा धनिया, नमक एज़ पर योर टेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स एंड मैश कर लीजिएगा। जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस तरह से आटे के आप दो पेड़े लीजिए और पूड़ी के आकार के आप इन्हें बेलिए और सेंटर में स्टफिंग रख के इस तरह से स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर दीजिए। और जो दूसरा हमने बेलकर तैयार किया है उसे इस तरह से स्ट्रेच करें और दोनों को पैक कर दीजिए, कवर कर दीजिए और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेल लें। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये पंजाबी मसालेदार आलू के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट होता है। तो आज हमने इसमें जो मसाला डाला है वही इन आलू के परांठों को खास बनाता है, टिपिकल ढाबे स्टाइल। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा साबुत हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है। ये देखिए, दोनों तरफ से आप घी लगाइए और क्रिस्पी और कुरकुरे होने तक इन्हें पका लीजिए और गर्मा गर्म कर्ड के साथ आम का अचार है चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म इस तरह से आलू के पराठे बनाइए और ऊपर से डालिए बटर और गर्मा गर्म इसका मज़ा लीजिए। आई होप आपको हमारी आज की सिंपल टेस्टी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।